नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हर हर महादेव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर स्विस बैंक से आ रही है, वही स्विस बैंक जिसमें कहा जा रहा था कि इतना पैसा है कि अगर वहां से आए तो हर आदमी के पास वो 5-5 लाख रुपए मिल सकते हैं। इसी में मैं आपको एक बहुत बड़ी जो देश के लिए गर्व की बात है वो मैं बताता हूँ। स्विस बैंकों में भारत के लोगों और कंपनियों के जमा रुपयों को लेकर अक्सर ही सवाल जो है वो खड़े होते रहे हैं। स्विस बैंकों में भारतीय नागरिकों, जितनी भी कंपनियां हैं, उन्होंने कितना रुपया जमा करके रखा हुआ है, अब इसकी जो जानकारी है खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दे दी है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह बात बताई। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वीडियो शेयर जरूर करनी है आपको, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय देने के बाद कि क्या अगर स्विस बैंक से वापस पैसा आ सकता है या नहीं, क्या मोदी सरकार ये कर पाएगी या नहीं। अपनी राय देने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और उसके बाद वीडियो शेयर करें, क्योंकि जो आपकी राय है वो हर भारतीय तक जाए, वो हर हिंदुस्तानी तक पहुंचे। अब सीधे बात मैं आपको बताता हूं कि कितने रुपए जमा हैं स्विस बैंक में। ये बहुत बड़ा सवाल था। लोकसभा में दीपक बैज और सुरेश नारायण ने सरकार से यह सवाल किया था कि क्या स्विस बैंकों में भारतीय नागरिकों एवं कंपनियों द्वारा जमा की गई राशि में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी सीधे तौर पर यह सवाल पूछा था कि 2014 के बाद से, जब से मोदी सरकार आई है, तब से स्विस बैंक में जो पैसा जमा है क्या वो बढ़ा है या कम हुआ है। इसके जवाब में निर्मला सीतारमण जो है उन्होंने एक मानो रौद्र रूप अपना लिया, एक चंडी रूप अपना लिया। निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि विदेशी परिसंपत्तियों से संबंधित पैराडाइज पेपर लीक्स और हाल ही में सामने आए पेंडोरा पेपर लीक्स जैसे मामले, इन मामलों में तेज एवं समन्वित जो है वो जांच करने के लिए सरकार ने एक बहु एजेंसी दल जिसका नाम मैग है उसका गठन कर दिया है, जिसमें परिवर्तन एजेंसियों, संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। वित्त मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय नागरिकों और कंपनियों द्वारा स्विस बैंक में कितना धन जमा है इसका कोई सरकारी अनुमान नहीं है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि स्विस बैंकों में जमा भारतीयों के धन में वर्ष 2000 की तुलना में 2021 में बढ़ोतरी हुई है। इन मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी उल्लेख जो मिलता है कि इन जमा राशियों से यह संकेत नहीं मिलता है कि स्विट्जरलैंड में कथित तौर पर भारतीयों द्वारा जमा किए गए काले धन की मात्रा कितनी है। रिपोर्ट में ये स्पष्टता नहीं है। वित्त मंत्री ने आगे बताया कि इस विषय पर स्विस अधिकारियों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि स्विस नेशनल बैंक यानी SNB द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले आंकड़ों का भारतीय मीडिया स्विस वित्तीय संस्थानों में भारतीय निवासियों की परिसंपत्तियों की राशि का विश्वसनीय सूचकों के रूप में नियमित रूप से उल्लेख करता रहता है। यानी इन मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि इन आंकड़ों की किस प्रकार से व्याख्या की जाए, जिसके कारण गुमराह करने वाले शीर्षक और जो विश्लेषण वो सामने आए हैं। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अलावा बार बार यह मान लिया जाता है कि भारतीय नागरिकों द्वारा स्विट्जरलैंड में जमा जो धन है अघोषित ही है। तो दोस्तों ये पूरी खबर थी। ये एक देश है चैनल है हॉकफी न्यूज, सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जो खबर आप तक पहुंचाई है बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी। मैं आपके साथ ध्रुव शर्मा था।